इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के रामपुर वार्ड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सपा से मेयर पद की प्रत्याशी लड़ रही अभिनेत्री काजल निषाद जी। आइए उनसे जानते हैं। पहली बात तो आरोप प्रत्यारोप का दौर गया जी जी। आज फाइनल डे है, मतदान जारी है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं, सारी लड़ाई मैंने लड़ी है, लगातार मेहनत मैंने की है। मैंने तो मेहनत कर दी, अब जनता की बारी है। अब जनता अवश्य अपने घरों से निकले, मतदान करे, भारी मात्रा में करे, जैसे कि मेरी सम्मानित जनतागण कर भी रही है। और उन्हें ही चुनने का अधिकार है कि वे अपना नेता कैसा चुनते हैं। तो जरूर मेरी जनता का जो भी निर्णय होगा वो मुझे सर्वमान्य और सर्वोपरि होगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि सुबह के टाइम बढ़ चढ़ कर लोग मतदान करेंगे, लेकिन बहुत ही मामूली प्रतिशत दर्ज हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अब मतदान भी बढ़ रहा है, लोग पीछे मैं देख सकता हूँ, और संख्या क्या लगता है, कैसे आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, साथ, सब कुछ मुझे मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से मैंने पैदल डोर टू डोर चलने का कार्य किया और मीलों मील में चलती थी, सुबह 6 से लेकर रात को 1 बजे तक मैं लगातार चलती थी, तो मेरी जनता भी मेरे साथ चलती थी। महिलाएं बर्तन धो रही थी तो वो उठ जाती थी, कोई घरद्वारी बना रही है, कोई मोनी बीन रही है, सब अपना काम छोड़कर उठ जाते थे, बच्चे खेलकूद छोड़कर मेरे साथ दीदी दीदी और महिलाएं करे जा, अरे हमारी बेटी, अरे हमारी बेटी, तो ही के मिली बेटा, तो ही के, तो इस तरह से सारे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हुए मीलों मील में अकेले चलती थी और कारवा धीरे धीरे इतना बनता जाता था कि कभी कभी हमारे प्रशासनिक जो पुलिस भाई होते थे वो भी आ जाते थे, मैडम इतनी संख्या लेकर, मैं कहती थी भाई मैं क्या करूं बताइए, सबका प्यार आशीर्वाद है। तो इस तरह से मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला है। सपा ने पहली बार महिला प्रत्याशी उतारा है, निषाद समुदाय से एक महिला उतारा है, कैसी लड़ाई देखती है और क्या अभी तक जो चुनाव हो रहा है सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो अपने शीर्ष नेतृत्व यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं, मेरा समाज और मेरे गोरखपुर की जनता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे महापौर पद की प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजा। और इसीलिए भी क्योंकि मैंने हर किसी के मुद्दे उठाए हैं, अभी से नहीं, सालों से उठा रही हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो टीवी डिबेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, तर्क, तंज, व्यंग और तथ्यों के साथ मैंने हर मुद्दे उठाए हैं, इसी तरह उठाती रहूंगी। अरे आप जैसे आपने कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, जहां जहां गई वहां तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो बूथ संख्या है 381, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रही है कि बीएलओ ने भी पर्ची काटी हुई है, वोटर लिस्ट में भी नाम आया हुआ है, तो सब में जब नाम आया है तो पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको वोट डालने नहीं देंगे क्योंकि हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पीठासीन अधिकारी जो बैठे हैं उनका लिस्ट कौन सा है और बीएलओ ने जो हमें लिस्ट दिया वो कौन सा है। तो ये दोनों लोग वोट डालने से वंचित रह गए। अभी तो 10 से 12 लोग थे, बाहर खड़े थे, हमने डीएम को ये शिकायत की है, वो तत्काल ही किसी को भेज रहे हैं और उन्होंने क्या मामला का संज्ञान लेकर तत्काल इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं है क्योंकि जिस तरह से मैं चली हूँ, मैंने मेहनत किया, उस तरह से उनके प्रत्याशी न चलते हैं न मेहनत करते, हर बार तो इनके प्रत्याशी बदल जाते हैं, हर बार जीते हुए मेयर को बदल देते हैं। इसका अर्थ ये कि उन्होंने काम नहीं किया हो। और जिस तरह मैंने एक एक वार्ड का दिखाया है, 1 से लेकर 80 वोट लगातार जो मैं घूमी और एक एक वोट की कुशल संपन्न नहीं हो रहे, मतदान 100% सही से नहीं चल रहा है, आपके नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है। क्यों, कैसे मैं कैसे कहूं कि सही चल रहा है जब 381 नंबर में सही नहीं चल रहा है? तो ऐसे हर जगह होगा। लगातार देखिए लिस्ट ली हूं और लगातार मैं चलने का काम करूंगी, जब तक वोट पड़ते रहेंगे लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर, अलग अलग स्कूल में, विद्यालय में जाकर मैं देखूंगी, हर जगह मेरे ख्याल से हो रहा होगा। लगा धांधली का आरोप लगा दिया, चलिए ठीक है, 13 तारीख को परिणाम आएंगे, क्या उसके बाद आप अपने शहर में बनी रहेंगे? बिल्कुल बनी रहूंगी, मैं यहाँ की बहू हूँ, ससुराल है मेरा, और यहाँ बनी रहूंगी, सेवा करती रहूंगी, सबको पता है। तो आप लोग अवश्य मतदान करें, आपका निर्णय ही सर्वोपरि होगा। और ये धांधली सरकार की तरफ से हो रही है तो सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो आपकी सपा से मेयर प्रत्याशी काजल निषाद जो कि बता रही थी कि उनका अभी तक का चुनावी सफर कैसा रहा है, साथ ही साथ उन्होंने अभी चुनाव के धांधली का भी आरोप लगाया है और उसके जल्द से जल्द प्रशासन से निराकरण करने की भी उम्मीद जाहिर की है। तो रवि गुप्ता, यूपी तक के लिए गोरखपुर से।